हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, वेलकम यू ऑल गाइस। सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने अन अकेडमी वाईफाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं देवेंद्र नायक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वाईफाई स्टडी 2.0। हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, वेलकम यू ऑल गाइस। सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने तो वाईफाई स्टडी टीम सर, जो भी ये अनडिस्टर्बेंट निबा निबी है सभी को ब्लॉक मार दो, जो अनरिलेटेड बात कर रहे हैं, जिनकी इनकी कमेंट सेक्शन जिनका खाना वाना हो गया होगा, ठीक है, तो सभी को ब्लॉक मार देना। ओके, हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, वेलकम यू ऑल ऑन वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग पे आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र नायक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने वाईफाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो ओके, लेट स्टार्ट। तो अपन आज का गेम स्टार्ट करते हैं। जितने लोग आ गए हैं जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि स्टूडेंट्स आपके भाई लोग जुड़ सके। तो अपन शुरुआत करते हैं, एक सेकेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो हाय एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेगमेंट। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है इसी मॉक टेस्ट का। तो मैं देवेंद्र नायक आप सभी का स्वागत करता हूं। ओके, तो स्पेशल सेगमेंट्स देखने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होती है, देन उसको इंस्टॉल कर लेना होता है विद द हेल्प ऑफ द ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। यू कैन लॉग इन थ्रू द इट, देन यू हैव टू सिलेक्ट योर गोल लाइक एसएससी, ईएससी, गेट, जो भी आपका गोल हो गोल को सिलेक्ट करें, देन प्रोसीड टू गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन में आप हमारे यहाँ वन मंथ से लेके 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं साथ के साथ। तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं साथ के साथ। अगर आप Dev10 यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि कितना है 10%। तो डोंट फॉरगेट टू यूज Dev10 टू गेट 10% एडिशनल ऑफ। देन प्रोसीड टू पेमेंट बाय यूजिंग द एनी मोड ऑफ द पेमेंट, यू कैन make payments. Why Unacademy is the best platform? Because of the 30+ batches हमारे हर week start हो रहे हैं, 40,000+ recorded content है, 300+ classes हो रही है daily, 20,000+ practice question हो रहे हैं, 70+ educator है और 90% student trust, the most important thing. As usual आपको पता है हर संडे को Unacademy Combat की तरफ से एक scholarship pool exam होता है दोपहर 12 बजे, जाइए इनरोल कीजिए। इनरोल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा Dev10 और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अब हिंदी में भी उपलब्ध है। जाइए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए और स्कॉलरशिप भी जीतिए। ओके, मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या कह रहे थे, तो कैसे हैं सभी इन लोग? क्या कह रहे हैं मयंक, पेपर पोस्टपोन हो गया क्या RS MS JEE का डिप्लोमा फाइनल ईयर? ओके, तो यार मैं कहने का मतलब है, उम्मीद है पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर होके रहो, ठीक है। उम्मीद यही है कि 15 मई तक सारे कोरोना के हालात अंडर कंट्रोल आ जाएंगे, तो उसमें उम्मीद है, ठीक है। तो 12 जून को होगा, तो मेरा तो यही मानना है अभी तक। तो आज के पार्ट बी के अंदर ये सब्जेक्ट कंसीडर किए गए हैं, फ्लूड मैकेनिक्स, वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल, सर्विंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये राजस्थान RSM SSB JEE वाला था, उसके सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सिलेबस के अंदर है, इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पे कंसिडर किया गया। इसके अलावा मैंने ऑटोकेड और एस्टिमेशन को अभी तक ऐड नहीं किया है, तो उनको बहुत जल्दी ही लेके आए। ओके, तो लेट्स सेट, ऑल सेट, लेट्स क्रैक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले इज, इन MKS ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट
यूनिट फॉर मास इज किलोग्राम, न्यूटन, मैट्रिक्स, लग ग्राम। Okay, I think problem is resolved now. Okay, problem is resolved. तो जो लोग वापस आ गए हैं, एक बार प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। ओके ओके, तो जो लोग वापस आ गए हैं जल्दी से देखिए, जल्दी से बताइए फिर मेरे को। रश्मि, अजय, कोश्मो, अश्लोक, ओके, सभी के पास रीस्ट्रीम चालू हो गई है, स्ट्रीमिंग दोबारा से चालू हो गई है क्या? जल्दी से देख लीजिए और मेरे को बताइए, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। बताइए जल्दी जल्दी, जो लोग भी देख रहे हैं अपने साथ में। ओके 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 ओके, इट्स ऑल ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन एमकेएस ग्रेविटेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज द किलोग्राम, जो कि आप लोगों ने आंसर दे दिया था। किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर, किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, पॉइज इज द यूनिट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइज इज द यूनिट ऑफ, पॉइज इज द यूनिट ऑफ, ओके ओके, चलो ठीक है, चलो पॉइज इज द यूनिट ऑफ, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर टू इज ऑन योर डिस्प्ले। विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी 2 का सी इज द करेक्ट आंसर। विस्कोसिटी कहें या डायनेमिक विस्कोसिटी कहें, एक ही बात है। डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, उसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होती है, 1 पॉइज। और काइनेमेटिक की क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है अपने पास, कि डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन में क्या, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो अपने पास ये आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ये किसके इक्वल होती है, स्टोक के इक्वल होती है। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, इंक्रीज इन द वॉल्यूम to the viscosity of the fluid, increase in the pressure to the volumetric strain, critical velocity to the velocity of the fluid. Okay. ठीक है, खान साहब नहीं आए क्या अभी तक? ओके,
चलो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कीजिए थोड़ा सा जल्दी। थर्ड का ए, वो शियर स्ट्रेस अपॉन मोर शियर स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। रश्मि विमलेश यादव ब, इंक्रीज इन द वॉल्यूम टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। न ठाकुर साहब सी, दैट्स द करेक्ट आंसर। बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन प्रेशर स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो बल्क मॉडुलस के इक्वल्स टू होता है अपने पास होता है स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है तो ये हो गया माइनस में डीपी अपॉन में डीवी अपॉन में वी चेंज इन। ओके तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरी राइज इज ए फिनोमिना दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड। वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, डायनेमिक डेंसिटी या सरफेस टेंशन। कैपिलरी एक्शन किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन इज द करेक्ट आंसर। सरफेस टेंशन इज द करेक्ट आंसर। ड्यू टू सरफेस टेंशन एडहेजन और कोहेजन के बेसिस पे ही तो अपने पास कैपिलरी राइज और फॉल आता है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कौन सा है? कैरोसिन ऑयल एंड डीजल ऑयल, ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, डीजल ऑयल एंड द वाटर, कैरोसिन एंड द वाटर। विमलेश यादव सरफेस टेंशन इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन ब्लड एंड द टूथपेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन ब्लड एंड द टूथपेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूड इज गिवन एज द 5 × 10 की पावर 11 पर पास्कल। वट इज द बल्क मॉडुलस इन गीगा पास्कल ऑफ ए फ्लूड। ओके अजय, अश्लोक, विमलेश, कॉस्मो, रश्मि। ओके ठीक है, ऑल आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर डिस्प्ले। इसके अंदर मैंने सर्वे को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वे इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्वे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने सर्वे के ऑलरेडी क्वेश्चन चल रहे थे इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन इसमें दिए नहीं। 6 का 20, 6 का 20। ओके कॉस्मो, दैट्स द करेक्ट आंसर। मंजीत राज, ओके 20 GPA इज द करेक्ट आंसर। 20 GPA इज द करेक्ट आंसर। कंप्रेसिबिलिटी जनरली क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी होती है 1 अपॉन में बल्क मॉडुलस। और अपन को क्या पूछा है? बल्क मॉडुलस ही पूछा है, तो 1 अपॉन में कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी। कंप्रेसिबिलिटी कितनी गिवन है? 5 × 10 की पावर -11। ठीक है तो ये क्या आ जाएगा? 2 × 10 की पावर 10 पास्कल। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा? 20 गीगा पास्कल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्किप नहीं आता, क्या नहीं आता? नेक्स्ट, ए स्पीयर ऑफ ए डायमीटर 30 cm इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द 4 m/s। डायनेमिक विस्कोसिटी एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड इज गिवन एज 0.8 पॉइज एंड द 0.9। व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? थोड़ा सा ऐसे ना जल्दबाजी मत किया करो, कई बार समटाइम क्या होता है अपन थोड़ी सी बौखलाहट के बफरिंग कहाँ हो रही है अभी तो रश्मि नहीं हो रखी बफरिंग।
मैंने एक डिस्प्ले ये ऐसे राइट साइड में देख रहा हूँ ना, मैं लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ, तो यहाँ मैंने कमेंट्स खोल रखे हैं आप लोगों के, तो उसके अंदर अगर बफरिंग होगी तो मुझे दिखाई दे जाएगी। जैसे पहले हुआ था तो मैंने खुद ही बोल दिया था आपको भी बफरिंग होने लगी, इंटरनेट की स्पीड 100 प्लस चल रही थी। चलो एक डिसलाइक भी आ गया, कांग्रेस एक आध तो आना चाहिए ना। चलो जल्दी से बताओ, टेन थाउजेंड सेवन का मंजीत राज, चलो देख लेते हैं। रिनोल्ड्स अपने पास क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है कितनी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, और डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी गिवन है अपने पास 0.8 पॉइस, ठीक है, और अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी गिवन है 0.9, ठीक है। तो अपने पास हमें पता है रिनोल्ड्स नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, रो ई इज इक्वल टू Vd अपॉन में न्यू। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन में रो, ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर म्यू अपन को कितना है पॉइस में दे रखा है, तो अपन इसको क्या किस में कन्वर्ट कर लें, पास्कल सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.08 पास्कल सेकंड्स, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ गया 0.08 अपॉन में म्यू कितना आ गया 0.9 इंटू में 1000, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ द वाटर इंटू में यूनिट वेट ऑफ स्पेसिमेन, सॉरी यूनिट वेट ऑफ स्पेसिमेन अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो उसको रो को इससे इस तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया। यहां से अपने पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी 8.88 इंटू 10 की पावर माइनस पास्कल सेकंड आ गया, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, VD कितना है 4, और अपने पास D कितना 30 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और विस्कोसिटी कितनी है 8.88 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 13,500 आ जाएगा अपने पास आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। ओके समझ में आया या नहीं आया, ऋतुराज अश्लोक रश्मि खान साहब गुड आफ्टरनून, आपका इंतजार था, लेट हो गया। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सोट्रोबियर द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू रूट एच, एच की पावर 2/5, एच की पावर 3/2 या एच, एट का एच, दैट्स द करेक्ट आंसर। कि अपने पास जनरली डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है 8/15 सी डी अंडर रूट जी एच अपॉन में 10 थीटा बाई 2 एच की पावर एन। अगर अपने पास रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, रेक्टेंगुलर सेक्शन आ गया, तो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच सॉरी एन की पावर हो जाएगी 3/2,
और अगर अपने पास ट्रेंगुलर सेक्शन आ गया, ट्रेंगुलर आ गया, तो क्या होगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 5/2। और अगर अपने पास सूत्रोवियर आ गया तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहां अगर अपन एन इक्वल्स टू 1 रख देंगे तो डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रश्मि डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लो इन ए चैनल इज लेमिनार एंड रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाय 1200, व्हाट इज द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द चैनल। आज फ्राइडे था, नमाज पढ़ रहे थे खान साहब। जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 का। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। जनरली अपने पास क्या होता है, लेमिनार्स के लिए, लेमिनार्स क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर अपन ने 2000 से कम है तो लेमिनार, 4000 से ज्यादा है तो अपने पास टर्बुलेंट, और इनके बीच में है 2 से 4 के बीच में तो ट्रांजिशन फ्लो हो गया, ठीक है। तो अपने पास जनरली क्या होता है, लेमिनार्स के लिए फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू होता है 64/RE। तो 64/ रेनॉल्ड्स नंबर कितना है, 1200। इसको आंसर आ जाएगा अपने पास 0.053 इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। द फ्लो इन ओपन चैनल इज लेमिनार इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज, प्रज्ञा सिंह डी। ओके ठीक है प्रज्ञा, जो लोग नए हैं उनको बता दूं हमारी रेगुलर क्लासेस अन अकेडमी के एसएससी जेई यूट्यूब चैनल पे सुबह 9 बजे से चल रही है। वहां पे हमारे सर्वेइंग चल रहा है और बहुत जल्द जियोटेक भी स्टार्ट होने वाला है। शेर सिंह डी। ओके, मिंतेश राज डी। कॉस्मो लेस देन 500 मींस डी। ओके, खान साहब डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। कि ओपन चैनल के लिए अपने पास लेस देन 2000 होना चाहिए, वो ओपन चैनल की बात चल रही है, वो पाइप फ्लो में होता है, ठीक है। जिसकी बात रश्मि कर रही है वो पाइप फ्लो में चल रही है, यहाँ ओपन चैनल की बात चल रही है, ठीक है। यस, लेस देन 2K वो किस में होगा, पाइप के फ्लो में होगा, ठीक है। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन ही तो किया है अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच मे बी टर्म्ड एज द अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कौन सी होगी, 11 का। हाँ ओके ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। मार्बल, ओके, मेटामॉर्फिक मार्बल, क्या बात है अश्लोक, मार्बल इज द करेक्ट आंसर, मार्बल इज द करेक्ट आंसर। शेर सिंह सी, सी प्रज्ञा सी, सी इज द करेक्ट आंसर, मार्बल इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक. नेक्स्ट, केमिकली मार्बल इज नोन एज मेटामॉर्फिक आर्जिलिसियस कैल्केरियस या सिलिकेशियस. केमिकली मार्बल इज नोन एज मेटामॉर्फिक आर्जिलिसियस कैल्केरियस या सिलिकेशियस. बिल्कुल 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 अश्लोक बिल्कुल सही बात कर रहा है. केमिकली पूछ रहा है तो केमिकली क्या होगा, कैल्केरियस नहीं होगा, तो मेटामॉर्फिक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से बता रहे. ठीक है, कैल्केरियस इज द करेक्ट आंसर. यस ठाकुर, दैट्स द करेक्ट आंसर. कैल्केरियस इज द करेक्ट आंसर कि कैल्शियम रिच के कंपाउंड को कैल्केरियस. केमिकली तो ऑप्शन बी इज द का है. अगर क्ले रिच होगा तो आर्जिलिसियस होगा, सिलिका रिच होगा तो सिलिकेशियस होगा. ठीक है, कैल्केरियस इज द करेक्ट आंसर. ओके गुड. द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर द 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्रिक मेशन आर. अपने क्वेश्चन गिनते रहना, गलत किसने किया है अभी तक. That's the correct answer. ये तो सभी को रटा हुआ ही होगा. ठीक है कि 500 आती है, कि अपने पास 1 क्यूबिक मीटर है, एक मॉड्यूलर ब्रिक का साइज कितना होता है 200 × 20 × 0.10 × 0.10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 ब्रिक्स. ओके, डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिक. ये कोड बताओ, चलो कौन सा होता है. स्ट्रेंथ के बेसिस पे ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन से कोड के अकॉर्डिंग करते हैं. जल्दी से आंसर करो. ओके, 14 का आंसर कीजिए. 14 का तो 3102 इज द करेक्ट आंसर. आईएस 3102 इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट, ऑल आर द करेक्ट. ठीक है, सभी का सही है, खाली शायद प्रज्ञा ने एक ने गलत दिया था. किसने, प्रज्ञा का ए बोला था उसने, एक ने. ठीक है, तो ऑल आर द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मैसनरी. हाई क्लास ब्रिक मैसनरी के लिए कौन सी ब्रिक सुटेबल रहती है.
15 का जाम्बा तो ओवरबर्ड ब्रिक होती है ड्यूड, जंब तो ओवर ब्रिक ब्रिक होती है, ओवरब्रंट ब्रिक होती है, और वो कहाँ पे ली जाती है, जहां पे अपने पास फाउंडेशन वगैरह के अंदर हैवी लोड आना, तो हाई क्लास ब्रिक वर्क का मतलब एक परफेक्ट और अच्छी ब्रिक मैसनरी के लिए कौन सा यूज करेंगे? जो पूछा है वो तो बता दो। चलो, which of the following brick is suitable for the high class brick masonry? Modular is the correct answer. Modular is the correct answer. Modular brick जो अपने पास regular अच्छी क्लास की एक perfect size की shape की brick आती है वो होगी। ठीक है? Okay. The lime mortar is made of the quick lime, fat lime, hydraulic lime या white lime. अगर किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डाउट है तो कल सैटरडे है, वो आज अपनी डाउट्स चलती क्लास के अंदर बता दीजिए ताकि उसके ऊपर छोटा सा कल आपको उसको लेक्चर मिल जाएगा अन अकेडमी की लर्निंग ऐप के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम और कोई? लाइम मोर्टार इज मेड ऑफ द क्विक लाइम, फेट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और व्हाइट लाइम। मंजीत सिंह कह रहे हैं हाइड्रोलिक लाइम, रश्मि और अश्लोक भी क्या कह रहे हैं? हाइड्रोलिक। और कोई? शेर सिंह भी, कॉस्मोशाइन भी, ओके। और कोई? हाइड्रोलिक लाइम, सभी हाइड्रोलिक लाइम के पीछे पड़ रहे हैं। ठीक है, एक ऑप्शन और सही है, दो ऑप्शन सही है इसमें। चलो अब बता दो। That's the good one, Thakur. Fat lime and hydraulic lime both are the correct. Fat lime and the hydraulic lime both are the correct. ठीक है, lime mortar के लिए हम fat lime और hydraulic lime दोनों ही ले सकते हैं। निशिकांता बारीक, quick lime, fat lime is also in special cases. That's the one. Okay. Good variety of cement contain the higher percentage of the good variety of the cement contain the higher percentage of the ठाकुर बताएगा, कल ही पढ़ा है ठाकुर अपन ने। ठीक है, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का, ठाकुर अपन ने तो कल ही पढ़ा है ना इसको। हाँ, शेर सिंह, निशिकांता, अजय, अश्लोक, असलाम, कांसा, रश्मि, कौशमो, मंजीत, जल्दी आंसर करो। प्रज्ञा, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, दैट्स गुड, ओके। बी, ट्राइकैल्शियम एल्यूम। एक अच्छी वैरायटी के लिए अगर हम बी ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट को खान साहब अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट क्या कर देगा कि उसको अंदर अगर फ्री साल्ट के फॉर्म में सोडियम मैग्नीशियम मिल जाएगा तो उनके साथ में रिएक्शन करके सल्फेट अटैक को न्योता दे देगा अगर हम C3A की वैल्यू बढ़ा दी तो। तो इसलिए सबसे अच्छी क्वालिटी की अगर ब्रिक्स अपन को सीमेंट चाहिए तो क्या सबसे ज्यादा होता है, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की वैल्यू कब बढ़ाएंगे अपन, तब बढ़ाएंगे जब अपन को क्या चाहिए, हायर परसेंटेज इसका तब करते हैं जब अपन को सीमेंट का फ्लैश सेट करना हो। ठीक है, जल्दी सेट करना हो इसलिए। ठीक है, चलो अभी रिवाइज भी हो रहा है ना साथ के साथ। अच्छा चलो कोई बात नहीं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज ब्लीडिंग, क्रीपिंग, सेग्रीगेशन या श्रिंकेज। चलो जल्दी से बताओ। हाँ अर्ली सेट, जिनको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना हो ना, थ्योरी पढ़ना हो, शाम को 5:30 बजे से अन अकेडमी की लर्निंग ऐप के ऊपर सीमेंट ही चल रहा है, आज कल सीमेंट खत्म कर देंगे। एटीन का सेग्रीगेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सेग्रीगेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉम्पैक्शन की वजह से जो अंदर से पानी सरफेस के ऊपर आ जाता है और सीमेंट को अपने साथ में ले आता है वो कहलाती है ब्लीडिंग, और किसी कांस्टेंट लोड के अंडर स्ट्रक्चर का डिफॉर्म होना क्या कहलाता है, क्रीपिंग कहलाता है। और क्रीपिंग क्या है, एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है, टाइम के साथ में क्रीप क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि कॉन्क्रीट है अपनी हार्ड होती जाएगी, हार्ड हो जाएगी तो उसमें डिफॉर्मेशन होना कम हो जाएगा, ठीक है। और श्रिंकेज क्या होता है, कि कंक्रीट का श्रंक होना किसी सरफेस का। अब अश्लोक कह रहा है सेग्रीगेशन में 1 मीटर राइट होता है या 1.5 मीटर राइट होता है, आईएस कोड कहता है कि 1.5 मीटर, आईएस कोड ये कहता है कि अपने पास जो भी अपन डाले मटेरियल वो 1.5 मीटर तक डाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 1 मीटर से ज्यादा हाइट पे नहीं डालेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर 1 मीटर से ज्यादा डालेंगे तो अपने सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, इसलिए 1 मीटर, ठीक है। आईएस कोड कहता है 1.5 मीटर, ठीक है, दोनों मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस एंजेलिस मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर द क्रशिंग स्ट्रेंथ, इंपैक्ट वैल्यू, एब्रेशन रेजिस्टेंस या वाटर एब्जॉर्प्शन। जो लोग नए आए हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना। एब्रेशन रेजिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर, एब्रेशन रेजिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इंपैक्ट वैल्यू क्या होती है, क्या नाम रश्मि, इंपैक्ट वैल्यू होती है सडन लोड आने वाला, सडन लोड आने की कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं, जैसे अपन घूम रहे थे, ठीक है, कंक्रीट सरफेस पे अपने हाथ में थोड़ा सा एकदम से गिर गया तो वो सडन लोड आएगा ना, उसे कहते हैं इंपैक्ट लोड, ठीक है। और क्रशिंग स्ट्रेंथ पता ही है, वाटर एब्जॉर्प्शन भी आप लोगों को पता ही। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। राहुल खान साहब एंड कोशमो, मंजीत ठाकुर, प्रज्ञा, अजय, टफनेस टेस्ट के लिए, टफनेस मतलब सडन लोड आने वाला, ठीक है। ए लेयर ऑफ ए ड्राई सॉइल पुट बिलो द फाउंडेशन ऑफ कॉन्क्रीट इन द केस ऑफ द सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड। अगर हमारे पास क्या है, मिट्टी सॉफ्ट सॉइल है, तो अपन ईंटों की एक लेयर बिछा देते हैं फाउंडेशन से पहले, तो उस टाइप के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोलिंग कहते हैं, शोरिंग कहते हैं या डीपीसी कहते हैं या नन ऑफ द अबो कहते हैं, नोटा। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉलिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सॉलिंग इज द करेक्ट आंसर, सॉलिंग इज द करेक्ट आंसर। डीपीसी डैम प्रूफ कोटिंग होती है डैम्पनेस से बचाने के लिए, ठीक है। और सॉलिंग क्या होती है, कि अपन लेयर्स की अपन पास दो एक थिन लेयर बिछाते हैं, और शोरिंग क्या होती है, टेम्परेरी सपोर्ट कहते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शोरिंग तो लेटरली स्पोर्ट के लिए होती है शायद, शोरिंग हाँ टेम्परेरी स्पोर्ट के लिए होती है, ठीक है। और डीपीसी डैम्पनेस से बचाने के लिए कोटिंग करते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। हो गया तीनों ही ऑप्शन हो गया, नन ऑफ दिया तो। चलो, इनर पार्ट ऑफ द टिम्बर सराउंड लॉग सराउंडिंग द पिच इज कॉल्ड, हाँ शेरसिंह, कांसा, रश्मि, प्रज्ञा, मंजीत, मंजीत भी नहीं होगा, ठीक है, अश्लोक, शोरिंग भी नहीं होगा, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, शेर सिंह, मैं ना सबको ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, जैसे क्लास हो जाएगी ना तो सबके लिए एक दो सजेशन है मेरे पास, ठीक है, आप लोगों के किस चीज पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, सबको ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ। ओह वाह क्या बात है, हार्डवुड, ठीक है, दैट्स द करेक्ट वन, ठीक है, कि सबसे अंदर अपने पास क्या होता है, पिथ होता है, ठीक है, पिथ के चारों तरफ कौन सी होगी, हार्डवुड, ठीक है, हार्डवुड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और हार्डवुड के बाद में क्या आ जाएगी, सैपवुड आ जाएगी, ठीक है, सैपवुड के बाद में कैम्बियम लेयर, फिर इनर बार, फिर आउटर बार, ठीक है, और वह ऐसे आ जाएगी वो मेडुलर इरेज हो गई, ठीक है, ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इरिगेशन ऑफ द क्रॉप द बेस पीरियड बी इन डेज, डेप्थ ऑफ द वाटर इज डेल्टा इन मीटर, आर रिलेटेड टू ड्यूटी डी इन हेक्टेयर पर क्यूमेक एट द फील्ड एज, वह सॉरी 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 गाइस, चलो आंसर करो भाई जल्दी। ध्यान रखना, यहां आपको ड्यूटी पूछी गई है हेक्टेयर पर क्यूमेक में, हेक्टेयर पर क्यूमेक में, ठीक है, हेक्टेयर पर क्यूमेक में ड्यूटी पूछी गई है मंजीत, हेक्टेयर पर क्यूमेक में पूछी गई है, ठीक है, अगर हमारी यूनिट क्या होती, सेंटीमीटर्स के अंदर होती डेल्टा, तब आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता, अदरवाइज क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यूनिट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, ठीक है, ओके, दैट इज द करेक्ट वन, कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 8.64 बी अपॉन में डेल्टा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ए डिस्चार्ज कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट द आउटलेट टू इरिगेट 2600 हेक्टेयर ऑफ द सुगर कैन हैविंग ए कोर डेप्थ ऑफ द 17 सेंटीमीटर एंड द कोर पीरियड ऑफ द 30 डेज, चलो जल्दी से आंसर करो 23 का।
ठाकुर, दैट्स अ गुड वन। मंजीत भी बता रहा है। ओके, जनरली क्या है कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, मीटर क्यूब पर, देखो डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अपने पास डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, या एरिया इज इक्वल टू हेक्टेयर, हेक्टेयर। तो अपने पास ड्यूटी इज इक्वल टू क्या होता है, हेक्टेयर पर क्यूमिक। क्यूमेक, ठीक है। अपन को ड्यूटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले 8.64 इंटू में बी, बेस पीरियड कितना है 30 डेज, ठीक है। और अपने पास कोर डेप्थ कितनी है 17 सेंटीमीटर, तो डेल्टा किस में होगा, मीटर में होगा। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगी, ड्यूटी आ जाएगी। ड्यूटी कितनी आएगी, ठीक है, ड्यूटी यहां से आ जाएगी अपने पास। ड्यूटी कितनी आ जाएगी, 8.64 इंटू में 30 डिवाइड बाय 0.17, ड्यूटी आ जाएगी 1524.70, ठीक है। ये अपन ड्यूटी कहाँ रख देंगे, एरिया कितना है 2600 हेक्टेयर है, और ये अपने पास क्या है, हेक्टेयर पर क्यूमेक है, तो कितना, तो 15.24.70। तो यहाँ ये क्या था, हेक्टेयर था, और ये हेक्टेयर पर क्यूमेक था, ठीक है। तो हेक्टेयर से हेक्टेयर क्यूमेक ऊपर चला गया, तो ये डिस्चार्ज आ गया, डिस्चार्ज आ जाएगा 1.71, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमेक, एक ही बात है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया अब तो रश्मि, अश्लोक। वाह ठाकुर, क्या बात है ठाकुर, हाथ में क्या ये लाल लाल है ठाकुर। ओके, चलो नेक्स्ट। इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ एन इरिगेशन सिस्टम इज द रेशियो ऑफ वाटर रीचिंग टू द फॉर्म टू द वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स, क्रॉप यील्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द फील्ड, वाटर एक्चुअली स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द वाटर डिलीवर्ड टू द फॉर्म, वाटर एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय द ग्रोइंग क्रॉप टू द वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स। ठीक चल 24 का आंसर करो। कैल्सी का यूज अवॉइड करो, कैल्सी का यूज अवॉइड करो जितना हो सके, ठीक है। मजबूरी आ जाए तो अलग मैटर है, नहीं अदरवाइज जितना अवॉइड हो सकते हैं कीजिए अवॉइड, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन चलने दो। 24 का सी इज द करेक्ट आंसर, कि अपने पास इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी होती है, कि अपन ने रूट जोन में जितना पानी स्टोर हुआ और अपन ने फॉर्म में जो डिलीवर किया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ कल्टीवेबल कमांड एरिया प्रपोज टू इरिगेटेड एनुअली इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि अपने पास कल ठीक है, प्रज्ञा खान साहब। ओके, 24 का सी इज द करेक्ट आंसर।
सबसे ज्यादा एफिशिएंसी आती है ड्रिप इरिगेशन में। अंकुश, रश्मि, ओके, अश्लोक, ठीक है, प्रज्ञा, ओके ओके ओके, ठीक है। ट्रू इज द करेक्ट आंसर कि परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है कि एक किसी सोर्स से अपन जितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट कर पाते हैं वो उसका क्या है, कल्चरेबल कमांड एरिया कहलाता है। पहली बात तो ये, अगर अपन ने ये माना कि अपने पास 10 हेक्टेयर अपने पास लैंड थी, ठीक है, उसमें से अपन रवि के सीजन के अंदर कितना है 5 हेक्टेयर करते हैं, मतलब 5%, 50% ही इरिगेट करते हैं रवि के, और खरीफ में अपन अपन कितने करते हैं 6 हेक्टेयर, मतलब 60% करते हैं खरीफ सीजन में। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कंबाइंड एनुअली कितनी हो जाएगी, 110%। तो क्या होता है कि इंटेंसिटी हो कितना, एक साल के अंदर अपन कितना एरिया इरिगेशन अपन, ठीक है, तो कितना एरिया अपन इरिगेट कर पाए। ओके ओके अंकुश, अंकुश, नेहा ढूंढारा, ओके ठीक है, ट्रू इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, तो जो लोग नए हैं उनको एक बार मैं फिर बता दूं कि हमारी रेगुलर क्लासेस अन अकेडमी की एसएससी जेई यूट्यूब चैनल पे चल रही है। ये एज यूजुअल हमारे सैटरडे संडे फेस्ट रहता है, तो उसके तहत हमारी यहाँ पे वाईफाई स्टडी के ऊपर क्लासेस चल रही है, ठीक है। वाईफाई स्टडी इज द पार्ट ऑफ द अन अकेडमी, यस, स्टूडेंट ही तो बढ़ाने हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर लगभग 80-85% तक इंटेंसिटी रहती है, और ड्रिप इरिगेशन में 95-99% तक इरिगेशन रहती है, और ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर एवोपरेशन लॉसेस ज्यादा होते हैं। चलो चलो जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 26 का। खरीफ सीजन क्रॉप इज सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, मंथ ऑफ फेब और मार्च, वेन एवर इट इज पॉसिबल, मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। ओके, डुंडाडा जी भी डी बता रहे हैं, अश्लोक भी डी बता रहा है, कोशमो भी डी बता रहा है, मंजीत मंजीत भी डी बता रहा है। मंजीत सर, ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन में बेस्ट कौन सा मेथड है? ठीक है, बेस्ट इसलिए स्प्रिंकलर इरिगेशन इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो कम होती है। ड्रिप इरिगेशन की थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो क्या करता है, सब सरफेस इरिगेशन टाइप्स का है, तो इसलिए ठीक है। अगर अपन एप्लीकेशन एफिशिएंसी के हिसाब से बात करेंगे तब तो ड्रिप इरिगेशन है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी है, लगभग 99% है, ठीक है। और अपने अगर बात करेंगे वैसे यूज के हिसाब से तो बेस्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन माना जाता है, ठीक है। तो खरीफ, खरीफ कौन सा होगा, देखो अपने पास 3 टाइप्स के सीजन होते हैं, रबी, खरीफ, जैद सीजन, और एक पेरेनियल सीजन आता है, 4 सीजन होते हैं, ठीक है। रवि कौन सा होता है, रवि का मतलब होता है सन, सन अपन को कब रिक्वायर्ड हो, सर्दियों में, विंटर वाला, तो ये कौन सा होता है, सितंबर टू अक्टूबर वाला, सितंबर टू अक्टूबर में, ठीक है। खरीफ अपने पास जनरली मार्च टू अप्रैल के बीच में रहता है, ठीक है। और जैद सीजन क्या है, इनके बीच के अंदर जो मंथ्स मिल जाता है वो कहलाता है, और पेरेनियल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो अपने पास कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्रॉप रेशो इज खरीफ अपॉन में रबी, हाँ ठीक है, मार्च अप्रैल होना चाहिए एग्जैक्ट आंसर तो, लेकिन क्या है जून जुलाई तक अपन चलती है, ठीक है, तो आगे बता सकते हैं, लेकिन फेब के अंदर पॉसिबल नहीं है इसलिए बी ऑप्शन को मैंने इनकरेक्ट माना। नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर, मार्क कर दिया ना मैंने, डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वाटर. ड्यूटी एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी विल बी लेस देन दैट द ड्यूटी ऑफ हेड ऑफ वाटर कोर्स एंड द मोर देन दैट ऑफ द हेड ऑफ द कैनल. सर आपने इसका पहले बी आंसर करवाया है इस क्वेश्चन का ओल्ड वीडियो में. हाँ क्वेश्चन ये मैंने पहले करवाया हुआ है, मुझे पता है, लेकिन इसका अब मार्क कर लेना, अब सही कर लेना तो ये ही रहेगा. आंसर डी इज द करेक्ट वन. आंसर डी इज द करेक्ट वन. ओके, अगर पहले गलत करवा दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब सही कर लेना. क्योंकि फैब के अंदर पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए मैंने बी को इनकरेक्ट कर दिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 का. नहीं खान साहब चलाओ मत ना अभी, क्या है कि एग्जाम में ऐसा कई बार आ जाए तो अपन को किस ऑप्शन के साथ में जाना है. अगर अपन गलत भी कर दे, अपन अपनी जगह सही हो और एग्जामिनर गलत कर दे, तो अपने पास इतना होना चाहिए कि अपन उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठा सके. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. बोट ट्रू. ओके 27 नेहा कह रही है बोट. हाँ चलो ऑप्शन ए है बोथ आर द ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन बी कह रहा है बोथ आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन सी कह रहा है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स. एंड ऑप्शन डी कह रहा है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू. अब बता दो, बात तो सही लग रही है दोनों. अच्छा ठीक है, प्रज्ञा ए बता रही है बोट ट्रू बता रहे हैं, नेहा बहुत ट्रू बता रही है, कॉस्मो ए बता रहा है, मतलब कॉस्मो बोल रहा है ऑप्शन सी होना चाहिए. ठाकुर कह रहा है बहुत ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. यानी अश्वनी सिंह राजपूत कह रहे हैं गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून अश्वनी. ठीक है देखो पहला कह रहा है, मैं अपन दोनों को देख लेते हैं. ड्यूटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कि एक यूनिट वाटर से, वन यूनिट वाटर से जितना मैक्सिमम एरिया अपन इरिगेट कर पाते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी ड्यूटी कहलाती है. दैट इज द करेक्ट. तो पहली बात तो सही है. ड्यूटी एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी विल बी लेस देन दैट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द वाटर कोर्स एंड बी मोर देन दैट द हेड ऑफ द कैनाल. ये कह रहा है कि अपने पास ये कैनाल है, कैनाल से ये निकली अपने पास डिस्ट्रीब्यूटरी और ये निकला वाटर कोर्स और ये रख ली अपने पास फील्ड. तो ठीक है ये कैनाल का हेड है, तो यहाँ की ड्यूटी माना कि ड्यूटी ए है, यहाँ की ड्यूटी बी है, यहाँ की ड्यूटी सी है और यहाँ की ड्यूटी डी है. डी डी है, यहाँ पे ड्यूटी बी सी है और यहाँ पे ड्यूटी डी बी. ये कह रहा है ड्यूटी ऑफ हेड डिस्ट्रीब्यूटरी विल बी लेस देन दैट द ड्यूटी ऑफ द वाटर कोर्स. ये वाटर कोर्स था तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पे ड्यूटी क्या होगी वाटर कोर्स के कंपेरिजन, ठीक है, कम होगी. ये बात सही है. और क्या है, और मोर देन दी दैट ऑफ दी हेड ऑफ कैनाल से ज्यादा होगी. ये भी बात सही है. तो बोथ आर द ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दी ए. तो ओके ठाकुर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है अब सिंपल सा एक फंडा एक मैं बता दूं कि जैसे अपन एक छोटा सा बता देता हूं मैं एक छोटी सी चीज कि पहले तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है. ठीक है ये अपने पास कैनाल है, कैनाल से क्या निकली ब्रांच कैनाल निकली. ठीक है कैनाल है, ये रिवर है. ठीक है रिवर से मेन कैनाल निकली, मेन कैनाल निकली, मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल निकली, ये ब्रांच कैनाल है. और ब्रांच कैनाल से क्या निकली मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी निकली, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी निकली, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकली. ये क्या है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी. और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर कोर्स निकला, वाटर कोर्स, और वाटर कोर्स से ये आ गई अपने पास फील्ड आ गई. ठीक है
तो जैसे जैसे अपन यहाँ रिवर्स रिवर पे ड्यूटी क्या होगी, यहाँ पे इस साइड पे ड्यूटी सबसे कम होगी, यहाँ पे ड्यूटी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? यहाँ पे अगर एक यूनिट पानी लेंगे, उस पानी को यहाँ तक लेके आएंगे फील्ड तक लाने में, तो इसमें लॉसेस हो जाएंगे, तो जिससे इसकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ से एक यूनिट पानी लेंगे, डायरेक्ट फील्ड में लगाएंगे, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि लॉसेस क्या रहेंगे, यहाँ पे सबसे कम रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, इसमें आपको पानी डालना है, ठीक है, पानी डालना है, आपको क्या करना है, एक एक यूनिट पानी लेना है, ठीक है, एक एक यूनिट पानी, ये आपका एक यूनिट पानी यहाँ से लेना है, एक यूनिट पानी यहाँ से लेके आना है, आप बाल्टी में भर के लेके आए, यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो बाल्टी से झलक के पानी गिर गया, तो यहाँ पे पहुंचते हुए उसकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, उससे कम एरिया इरीगेट होगा, तो ड्यूटी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। और ये पास में था तो कम नजदीक होगा तो पानी बाहर कम गिरेगा, कम, तो जिससे क्या होगा लॉसेस कम होंगे, तो यहाँ पे ड्यूटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जितने नियरेस्ट एंड पे ड्यूटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बोथ आर द करेक्ट, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, गॉट इट और नॉट, ठीक है, बात समझ में आई या नहीं है? बात समझ में आई या नहीं आई? खान साहब, शेर सिंह, अश्विनी, मंजीत, अश्लोक, प्रज्ञा, नेहा, कोश्मो, रश्मि, हाँ सारे होंगे, रास्ते में से लोग चोरी भी तो करेंगे, वो भी कहूंगा सारे लॉसेस होंगे, इवोपरेशन भी होगा, परकुलेशन भी होगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इरिगेशन डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय सर्टेन क्रॉप इन एंटायर क्रॉप पीरियड इज ऑफ 150 डेज इज दिस 25.92 सेंटीमीटर। द कल्चरेबल कमांड एरिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल इज 1 लाख हेक्टेयर, डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल शेल बी डिजाइन फॉर द डिस्चार्ज, निकालना है, इजी सा क्वेश्चन है। ओके भंडारा जी बताओ, 28 का आंसर। कोशिश ये करना कैल्सी यूज ना करो। ओके वाहे गुरु वाहे गुरु। चल ठीक है कान साहब, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना लंबा कमेंट लिखा है ना, इतनी देर में कैलकुलेशन कर लेते आप। तो यूनिट तो सारी की सारी क्यूमेक में ही है। शेर सिंह का आंसर आया है ऑप्शन सी, मनजीत का ऑप्शन सी,
प्रज्ञा आंसर सी, ओके और कोई, आयुषी पांडे आंसर सी, ट्वेंटी एट का कोस्मोसाइन डी बता रहे हैं, मेरा कैल्सी मुगलसराय में है और मैं बेगूसराय में हूँ। ये सच में बोल रहा है, ऐसे मजे ले रहा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है चलो, आंसर क्या होगा, डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अपॉन में ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी क्या होगी, 8.64 इंटू में 150 डेज, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में लिख लेंगे 2592। ठीक है, या तो इसको डायरेक्ट 25 करके कर लो चाहिए। ठीक है, 8.64 इंटू में 150 डिवाइड बाय 0.2592, तो यहां से अपने पास ड्यूटी इज इक्वल टू आ जाएगी 5000। ठीक है, तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या आएगा, 100000 अपॉन में 5000। ठीक है, तो 30 से 30, 5 से 20, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अश्लोक सॉरी क्या नाम, कोस्मो, कोस्मो शाइन डी इज द, नहीं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 20 हेक्टेयर। ओके ठीक है, जिन लोगों का डी आ रहा है ठाकुर का, और ठाकुर का आज का पहला क्वेश्चन गलत हुआ है, और कोस्मो का आज का दूसरा क्वेश्चन गलत। ठीक है, बाकी लोगों के कुछ लोग लेट आए हैं और कुछ लोगों के ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, ओके, तरीका तो आप वाला ही है। ठीक, ओके ओके, आयुषी अजय असलाम, ओके नेक्स्ट, टर्बिडिटी यूज ए ब्लू कोबाल्ट प्लेट इज, टर्बिडिटी मीटर यूजिंग ब्लू कोबाल्ट प्लेट इज, जैक्सन टर्बिडिटी, बाइलिस टर्बिडिटी, या ट्यूब टर्बिडिटी, या प्लेट टर्बिडिटी, कौन यूज करता है। हाँ क्या कह रही हो प्रज्ञा, क्या कह रही हो, बाइलिस, ठीक है जैक्सन, तो बाइलिस के अंदर जनरली क्या करते हैं कि अपने पास एक ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट होता है कि रोड्स वगैरह डालते हैं, उसमें से एक तरफ लाइट लगी हुई होती है और वो लाइट्स को पेनिट्रेशन होते हुए देखते हैं। ठीक है, तो बाइलिस इज द करेक्ट आंसर, बाइलिस टर्बिडिटी इज द करेक्ट आंसर, जैक्सन बाइलिस नेफ्लोमीटर। ठीक है, एक कौन सा होता है, नेफ्लोमीटर, जैक्सन और टर्बिडिटी रोड, चार होते हैं टर्बिडिटी को मेजर करने। ठीक है, चार होते हैं बेसिकली टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए, टर्बिडिटी रोड, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, बाइलिस टर्बिडिटी मीटर और नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर।
नेफ्लो के बेसिस पे ही इसकी यूनिट पड़ती है NTU, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर द कंस्ट्रक्शन वी यूज एट द विलेज साइट, लोकल पॉन्ड वाटर मस्ट बी सीव्ड, बॉइल्ड एंड फिल्टर मिक्स्ड विद द जगरी और मिक्स्ड विद द क्लोरीन। कि अगर अपन कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर पानी यूज कर रहे हैं लोकल पॉन्ड का, तो वो क्या होना चाहिए? ओके, ओके, ए इज द करेक्ट आंसर कि उसे छान के लेंगे, कोई भी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लोकल लोकल पॉन्ड के पानी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मंजीत, नेहा, रश्मि, कोश्मो, शेर सिंह, अजय, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर द फ्लोराइड इन द ड्रिंकिंग वाटर। चलो इस क्वेश्चन के साथ मैं ना एक चीज बताता हूँ आपको, नई चीज बताता हूँ, ठीक है, जनरली उसमें कंफ्यूजन रहती है लोगों की। चलो चलो आंसर करो 31 का। बी इज द करेक्ट आंसर। 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 अगर हम एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करें फ्लोराइड की, एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करें, एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करें फ्लोराइड की, तो वो होती है 1 mg/L, ठीक है। एक होती है रिजेक्शन लिमिट, रिजेक्शन, 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 कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन क्या होती है 1.5 mg/L। अब सुनो, एक थोड़ी सी यहाँ पे हमेशा जनरली क्या कंफ्यूजन रहती है कि अपने पास एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, कॉज फॉर रिजेक्शन क्या है, परमिसिबल लिमिट क्या है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 mg/L तक फ्लोराइड आ रहा है पानी में, तो अपन आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेंगे। पहली बात समझ में आई, ठीक है। अगर 1.5 या उससे ज्यादा आता है तो अपन उस पानी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आते ही उसको बोलेंगे ले जा वापस, ठीक है। और अगर अपनी 1 से लेके 1.5 के बीच में कोई लिमिट आती है तो अपन काम चला सकते हैं, एडजस्ट करना पड़ सकता है। वो एडजस्टेबल लिमिट क्या है अपने पास? परमिसिबल लिमिट। तो ये रेंज है ना 1.5 से लेके 1.5 तक, ये क्या है? इसकी परमिसिबल लिमिट है कि यहां तक आ रहे हैं तो चलो ठीक है, एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ओके खान साहब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, नाइट्रेट मोर देन द 45 mg/L इन वाटर लीड्स टू डिजीज कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मोल्टन टीथ, पोलियो या नन ऑफ दीज। मतलब ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या है? पेट की कोई बीमारी है, कैविटी प्रॉब्लम, वो तो फ्लोराइड की वजह से होती है खान साहब,
दांतों में प्रॉब्लम आती है ना, दांत पीले पड़ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े पड़ जाते हैं, वो फ्लोराइड की वजह से होता है। तो पहले ये बताओ मेरे को एक बार थम्स अप और थम्स डाउन करके कि आप लोगों को परमिसिबल लिमिट, कॉज फॉर रिजेक्शन और एक्सेप्टेबल लिमिट, तीनों का फर्क पता चला? मेटाग्लोमेनिया, दैट्स द करेक्ट आंसर। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ओके, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। पोलियो वाटरबॉर्न डिजीज है लेकिन नाइट्रेट से नहीं होती। नन ऑफ दी अबो इज द करेक्ट आंसर। मेटाग्लोमेनिया क्या होती है? नाइट्रेट से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? मेथो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के केस में। यार खान साहब क्या बोल रहा, मेथे मो ग्लो बी ने, ठीक है, मेथोग्लोबेमाइनिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो, नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए कौन सा रीजन होता है? कार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट। अश्लोक बता रहा है ए, अश्लोक कार्बोनेट बोल रहा है। ओके, और कोई? शेर सिंह ये बता रहा है, खान साहब ये बता रहे हैं, ठाकुर ये बता रहे हैं, कोश्मो ये बता रहे हैं, प्रज्ञा ये बता रही है। कार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए कि कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉजेस द टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑल आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी डिजीज फाउंड इन द इन्फेंट इन द ड्यू टू एक्सेसिव डैश इन द ड्रिंकिंग वाटर। ब्लू बेबी डिजीज, जिन्होंने लाइक वाइक नहीं किया हो वो कर देना। क्या कह रही है रश्मि? परमानेंट। अच्छा आंसर दे ही दे क्या? नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, हाँ इन्हीं की वजह से, क्लोराइड ऑफ सल्फेट, क्लोराइड ऑफ नाइट्रेट, इन्हीं की वजह। आगे बढ़िए ना, क्या बोलो? ब्लू बेबी, ओके नाइट्रेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैल्शियम कंसेंट्रेशन, सॉरी कैल्शियम कंसेंट्रेशन एंड मैग्नीशियम कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर सैंपल आर 160 मिलीग्राम पर लीटर, 40 मिलीग्राम पर लीटर एज देयर आयन रिस्पेक्टिवली। द टोटल हार्डनेस ऑफ दिस वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू।
गो फॉरवर्ड सर, आगे फॉरवर्ड हो गए। थर्टी फाइव का आंसर कीजिए। हाँ बस अब बचा क्या है, कर दी स्पीड इंक्रीज कॉस्मो। हाँ ओके डेफिनेटली स्पीड। चलो जल्दी से आंसर करो, थोड़ा सा आप लोग आंसर, मैं ज्यादा सबका वेट नहीं करूंगा। चलो एक बंदे का आंसर आते ही मैं आगे सॉल्व करवा दूंगा, फिर या कोई स्किप लिख के भेज देगा तो भी करवा देंगे। ठीक है कॉस्मो, ओके चलो तो अपने पास क्या दे रखा है, कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम की दे रखी है कितनी, 160 मिलीग्राम पर लीटर, और अपने पास मैग्नीशियम की कितनी दे रखी है, 40 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अपन को निकालना है इनकी हार्डनेस निकालनी है, टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस क्या होगा कि अपने पास कैल्शियम इंटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में निकालना है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम प्लस में मैग्नीशियम और इनटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में मैग्नीशियम। ठीक है, तो अपने पास इसका कितना होता है दे रखा है, 160 दे रखा है कैल्शियम। इक्विवेलेंट वेट कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, 50, और मैग्नीशियम कैल्शियम का 20, प्लस में मैग्नीशियम का कितना दे रखा है 40, इक्विवेलेंट वेट कितना है 50 अपॉन में 12। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 56.67। ठीक है 56.67 आंसर आ जाएगा। ठीक है कॉस्मो, रख गया 267 नहीं 567 आएगा आंसर। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट यहां से कर लो 80 तो ये हो गया, 400 तो ये हो गया सीधा ही, इसको और सॉल्व कर लेना सीधा वैसे कर लो। अपन 4 से कर लेते हैं 10, और यहां पे कितना आ गया 3। ठीक है 500। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मैक्सिमम डेली फ्लो इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली फ्लो, मैक्सिमम डेली फ्लो इज द 2/3 ऑफ द एवरेज डेली फ्लो, सीवर आर डिजाइन फॉर द मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी एट द मिनिमम फ्लो, या ऑल ऑफ द अबव। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है अपन को, जल्दी से फाइंड आउट करो। चलो कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना, जो चीज नहीं लगे ना स्क्रीनशॉट ले ले करो, जो चीज पड़ी हुई है याद है उसको छोड़ दिया करो। ठीक है, नई चीज को याद रखा करो, ठीक है, पुराने वाले को भूलना नहीं है, लेकिन हाँ ऑलरेडी याद है हमें ऐसा सोच के आगे बढ़ना। वो सबसे बेस्ट है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए करो, हाँ क्या दिक्कत है। जो लोग नए आए हैं उनको बता दूं, अन अकेडमी एसएससी जेई यूट्यूब चैनल पे हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है। ओके शेर सिंह कह रहा है बी, रश्मि कह रही है ए और बी,
ए तो सही है बट हाँ ए इज द करेक्ट सर, डोंट नाउ अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके कोई चक्कर नहीं है अभी पता चल जाएगा। अब देखो तीनों देख लेते हैं, मैक्सिमम डेली फ्लो कितना होना चाहिए, टू टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली फ्लो का डबल होना चाहिए, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सही कह रहा है। ये कह रहा है मैक्सिमम डेली फ्लो इज द 2/3 ऑफ द एवरेज, ये मैक्सिमम नहीं, मिनिमम डेली फ्लो कितना होना चाहिए, 2/3 ऑफ द एवरेज डेली फ्लो होना चाहिए, ठीक है। सीवर आर डिजाइन फॉर द मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी एट द मिनिमम फ्लो, ये कह रहा है कि अपने पास सीवर में अपन इतना इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि ऑलवेज क्या है मिनिमम वेलोसिटी जनरेट होनी चाहिए ताकि सेल्फ क्लीनिंग वो सेल्फ क्लीन करता रहे, ठीक है, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी बनी रहे उसमें। लेकिन उसके लिए मिनिमम फ्लो के लिए डिजाइन नहीं, अपन डिजाइन तो पाइप का जो सीवर लाइन होगा वो मैक्सिमम फ्लो के लिए ही करेंगे, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट पता चल गई, बढ़ जाऊं आगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नो ट्रीटमेंट फॉर ऑफ द सीवेज इज गिवन इफ डाइल्यूशन फैक्टर इज लेस देन 150, बिटवीन 150 टू 200, बिटवीन 200 टू 300 या मोर देन 500। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें उल्टा केस है रश्मि, डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है कि गंदे पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर गंदा पानी मिला के उसको डाइल्यूट करना, ठीक है। तो मतलब डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू होता है डीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ द रिवर प्लस में डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज अपॉन में सीवेज, डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज, ये क्या है डाइल्यूशन फैक्टर का। ठीक है तो मोर देन 500, अगर हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर क्या आ रहा है 500 से ज्यादा आ रहा है तो हमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास 200 से लेके 300 के बीच में आ रहा है, सॉरी ये जनरली होता है 300 से, अगर 500 से ज्यादा आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, 300 से लेके 500 के बीच में आ रहा है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करके अपन डाल देंगे। अगर अपना पास 300 से लेके 150 से लेके 300 के बीच में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लेन सेडिमेंटेशन केमिकल सेडिमेंटेशन वगैरह करके डालेंगे। और अगर अपना ये आ रहा है 150 से कम आ रहा है तो इसमें सारे सारे ट्रीटमेंट करके कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद में ही इसे यूज करेंगे, दैट्स व्हाई, ठीक है, ओके। प्रज्ञा का सही है और शेर सिंह का सही है और ठीक है, इतने कमेंट दिखाई दे रहे मेरे को। Cosmo is also right. Which of the following is the non-recording rain gauge? Non-recording rain gauge कौन सा है? तो ये किसका है? Hydrology का question है। दो types के rain gauge आते हैं ना, एक recording, एक non-recording. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमंस रेन गेज, साइमन रेन गेज इज द करेक्ट आंसर। बाकी ट्रिपलिंग वेइंग या फ्लोटिंग टाइप रेन गेज ये सारे किसके हैं, रिकॉर्डिंग के टाइप है, ओके ए इज द करेक्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, रेनफॉल हाइटोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द क्यूमुलेटिव रेनफॉल विद द टाइम, रेनफॉल इंटेंसिटी विद द टाइम, रेनफॉल डेप्थ ओवर द एरिया और रेनफॉल इंटेंसिटी विद द क्यूमुलेटिव रेनफॉल।
39 का बताइए। अरे वाह, एक डिसलाइक और हो गया। चलो हेटोग्राफ किसकी किसके बीच में होता है? बी इज द करेक्ट आंसर। रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम किस बीच में? रेनफॉल इंटेंसिटी, जैसे ऐसे ग्राफ बनता है तो यहां पे इंटेंसिटी और यहां पे टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले इज एन एग्जांपल ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्ले इज एन एग्जांपल ऑफ, क्ले इज एन एग्जांपल ऑफ एक्वाफर, एक्वाटार्ड, एक्यूफ्यूज या एक्यूक्लूड। डिसलाइक करने वालों, अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक्वाटार्ड, एक्विक्लूड। ओके, प्रज्ञा सिंह कह रही है एक्यूफ्यूज। चलो एक एक जना और बचा है, एक्यूफर और बोल दो एक जना। अच्छा खान साहब ने एक्यूफर बोल दिया, एक्यूक्लूड बोल दिया, एक्यूटार्ड किसी ने बोला, अच्छा शेर सिंह ने बोल दिया, प्रज्ञा सिंह ने एक्यूफ्यूज बोल दिया, तो मतलब चारों ऑप्शन तो बोल ही दिए। चलो एक बार देखो, एक्विक्लूड होता है, एक्यूक्लूड जनरली क्या होता है कि एक्विक्लूड क्या है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से बने हुए पार्टिकल्स को क्या कहते हैं अपन, एक्विफ्लूज कहते हैं। ये क्या होते हैं, हाईली पोरस होते हैं, हाईली पोरस होते हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से बने हुए पार्टिकल एक्विक्लूड कहलाते हैं, हाईली पोरस होते हैं बट नॉन परमिएबल होते हैं, नॉन परमिएबल होते हैं, नॉन परमिएबल होते हैं बिकॉज ऑफ द, क्योंकि इसके अंदर जो पोर साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। परमिएबल का मतलब वो अपने अंदर से पानी को पास होने नहीं देते, ठीक है, अपने अंदर से पानी को पास होने की परमिशन नहीं देता, इसलिए वो क्या है, नॉन परमिएबल। अगर पोर्स बड़े होंगे तो पानी आने देगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्वीफर क्या होता है, कि नॉर्मल एक्वीफर तो आप लोगों को सभी को पता है कि ऐसे जो अपने पास लेयर सॉइल्स के बीच में पानी का बना हुआ एक लेयर्स क्या कहलाती है, एक्वीफर कहलाती है, और इसको पानी को अपने एक बोरवेल के अंदर स्टोर करते हैं, फिर यहां से निकाल लेते हैं। अब एक्यूफ्यूज की बात करें, एक्यूफ्यूज क्या है, ये क्या है, अपने पास है तो ये भी एक टाइप्स का क्या है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, लेकिन ये ना ही तो नॉन परमिएबल है और नॉन ही पोरस है, ठीक है, नाइदर पोरस और नॉन परमिएबल, ठीक है। और एक और कौन सा बच गया, एक्यूफ्यूज नहीं, कौन सा बच गया, सारी हो गया ना, एक्विटार्ड हो गया ना, ठीक है। एक्विटार्ड क्या होता है, जिसके अंदर से सीपेज पासिस होता है, पासिस सीपेज होता है, सीपेज होता है जिस सॉइल से, उसे कहते हैं एक्विटार्ड, ठीक है। इनके एग्जांपल के लिए लिख लो, सैंडी क्ले हो गया, सैंडी क्ले, एक बार मैं स्क्रीन शॉट करके सभी के एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। एक्विफर तो क्या हो गया, अपने पास सैंड और ग्रेवल हो गए, कि इनके अंदर से पानी आसानी से पास होता है एक जगह स्टोर होके। एक्विटार्ड क्या हो गया, कि एक्विटार्ड हो गया जिनके अंदर से ओनली सीपेज पासिस हो, तो कौन सी होगी, सीपेज के लिए कौन सा एग्जांपल हो गया, सैंडी क्ले हो गया। एक्विफ्यूज क्या हो, जिनके अंदर से क्या हो, ना तो वो पोरस हो और ना ही क्या हो, परमिएबल हो, तो इसका एग्जाम्पल कॉम्पैक्टेड रॉक ले लो, कॉम्पैक्टेड रॉक हो गया। और क्ले क्या होगा, नॉन पोरस हो, सॉरी पोरस हो और नॉन परमिएबल हो, लाइक क्ले, ठीक है। तो सबके एग्जांपल्स लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, द रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर द इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1981 टू 2001 इज ऑल्सो नोन एज लखनऊ प्लान, नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान या कानपुर प्लान।
क्लास बस 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, 49, 41 पे पहुंच गए हैं। अब 5-6 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन के, 4 क्वेश्चन सर्वे के। ठीक है, लखनऊ होगा, लखनऊ होगा शायद, लखनऊ, लखनऊ ए, लखनऊ प्लान इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आया था अपने पास नागपुर, नागपुर आया था 1943 से लेके 1963 तक। फिर आया था बॉम्बे, बॉम्बे आया था ये 20 साल के लिए था, लेकिन ये 18 साल में कंप्लीट हो गया था। फिर आया था अपने पास 1961 से लेके 1981 तक का, फिर ये आया था फिर ये आ गया 1981 से। ओके, फिर उसके बाद में कोई अपने मॉडर्न प्लान जो चली रहे हैं वही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज पर आईआरसी। आईआरसी के अकॉर्डिंग लैटरल कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहती है। सर लखनऊ में एक बुलबुलैया है, बड़े इमाम के पास एक महल है। लखनऊ यार मैंने देखा हुआ तो है, मैं गया था वहाँ किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए, 10-15 दिन रुका था लखनऊ। याद रहने में क्या, तीन ही तो है। ठीक है, एनबीएल याद रखो यार, नेशनल बास्केटबॉल लीग एनबीएल, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है इसका। पहला 18 है, बाकी 20-20 है, 43 से लेके। ठीक है, एनबीएल याद रख लो, नागपुर, बॉम्बे, लखनऊ। सी इज द करेक्ट आंसर, कि अगर लेटरल कोफिशिएंट की बात करें तो लेटरल अपने पास रहता है 0 पॉइंट, और लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे ना, तब बात करेंगे अपने पास 0.35 से लेके 0.4 तक। ठीक है, मैं नेक्स्ट मंथ है ना आपको ट्रांसपोर्टेशन करवाऊंगा, थ्योरी वाली और शानदार वाली करवाऊंगा, एक वीक के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, और शानदार वाली थ्योरी वाली नेक्स्ट मंथ के अंदर, मई के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ ऑफ टेकिंग इज नोन एज साइकोलॉजिकल वाइंडनिंग, मैकेनिकल वाइंडनिंग, फिजिकल वाइंडनिंग, फ्रिक्शनल वाइंडनिंग। चलो बताओ, एक्स्ट्रा वाइंडिंग ऑफ पेमेंट प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ ऑफ टेकिंग से बचने के लिए अपन एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं टर्न्स वगैरह पे, वो क्या कहलाती है, साइकोलॉजिकल वाइंडिंग कहलाती है या मैकेनिकल वाइंडिंग कहलाती है, दो ही टाइप्स की वाइंडिंग होती है। दो टाइप्स की वाइंडिंग होती है ना अपने पास, मैकेनिकल, बिल्कुल सही है, कि अपने पास मैकेनिकल वाइंडिंग तो ये है व्हीकल पे डिपेंड करती है। एक्स्ट्रा वाइंडिंग क्या होती है, डब्ल्यू एन मतलब मैकेनिकल प्लस में साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। मैकेनिकल क्या होती है, एन एल स्क्वायर अपॉन में 2R, और साइकोलॉजिकल क्या होती है, V अपॉन में 2.64
अंडर रूट आर। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग क्या है, जैसे अपने वाले चलाने वाले के दिमाग पे डिपेंड करते हैं, कुछ तो एकदम पास से मोड़ लेते हैं, कुछ ऊपर से घुमा के मोड़ते हैं, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल। और मैकेनिकल व्हीकल है, व्हीकल को जितनी सफिशियंट स्पेस चाहिए वो उसकी है, ठीक है। तो मैकेनिकल वाइंडिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिटुमन इमल्शन इज ए लिक्विड कंटेनिंग बिटुमन इन सस्पेंशन ए पेंट यूज एज एंटी कोरोसिव पेंट या ऑल ऑफ द अबव। कौन सा क्वेश्चन है, 44 है ना। अश्लोक बता रहा है, डी ठाकुर कह रहे हैं, ए खान साहब कह रहे हैं, ए शेर सिंह कह रहे हैं, ए ए इज द करेक्ट आंसर। कोश्मो ए बता रहे हैं, नितेश वर्मा नए स्टूडेंट है, प्रज्ञा ए बता रही है, ओके ए इज द करेक्ट आंसर। ए लिक्विड कंटेनिंग बिटुमिन इन सस्पेंशन, ये जनरली रिपेयर वर्क के काम में यूज आता है और रनिंग वाटर के अंदर भी अपन इसे रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन सीबीआर टेस्ट द वैल्यू ऑफ सीबीआर इज कैलकुलेटेड एट द 2.5 mm पेनिट्रेशन ओनली या 5 mm पेनिट्रेशन ओनली या 7.5 mm पेनिट्रेशन ओनली या 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन ओनली। 45 का आंसर बताइए। हाँ भाई, सुबह सर्वे के लिए सुबह 9 बजे अन अकेडमी के एसएससी जेई यूट्यूब चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपके पास जब भी हम ऑनलाइन आएंगे तो पॉपअप आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 2.5 एंड 5 इज द करेक्ट, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर 5 mm आता है तो दोबारा से रिपीट करके अपन इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर द रूलिंग डिजाइन स्पीड v मीटर पर सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन f, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सुपर एलिवेशन e इज गिवन बाय। तो आपको बताना है, रेडियस बतानी है, तो जनरली हाँ चलो मैं आप लोग ही बता दो पहले क्या होगा, फिर उसका बाद में मैं बता दूं। सी इज द करेक्ट आंसर, 46 का सी इज द करेक्ट आंसर। जनरली क्या होता है, ई प्लस में एफ इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में 2g या सीधा जी आर, वी स्क्वायर अपॉन में जी आर, आर क्या होती है, रूलिंग रेडियस, रूलिंग रेडियस, ठीक है। तो आर पूछा है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में जी इंटू में ई प्लस में एफ, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लेवलिंग एलिमिनेट्स द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रेक्शन। सर्वे के सिर्फ 4 क्वेश्चन डाले हैं, उसके पीछे रीजन यही है, एज यूजुअल आपको पता है सर्वे अपन पढ़ ही रहे हैं, तो वहां पे भी 500 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहां पे और एक्स्ट्रा करने से क्या मतलब, बाकियों को मौका दिया जाए।
चलो ठीक है, लास्ट 5 मिनट के लिए और रुक जाए, शांति बनाए रखें, 5 से 10, 7 मिनट, 5-7 मिनट। बी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लेवलिंग एलिमिनेट्स द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन 101%। नेक्स्ट, ये रिपीटेड नहीं है। चलो एक आध क्वेश्चन हो जाते हैं कांसा भैया ना चाहते हुए भी, क्या बात है। चलो शिट, यहां पे 5.75 है, यहां पे 5.75 है, क्योंकि आंसर नहीं आएगा, यहां पे 5.75 है। ठीक है, यहां पे 5.75 है, 48 में क्वेश्चन में 5.75 है। अब आंसर करो, टेक्निकल बंगा। ऑप्शन सी बता रहे हैं जो कि गलत है। मनीष कह रहा है 18.48, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कि अगर हम बात करें ट्रू ट्रायंगुलेशन सिग्नल है, दोनों की हाइट कितनी है, 5.755 मीटर है, दोनों आर जस्ट विजिबल ओवर ग्राउंड, दोनों एक दूसरे से विजिबल है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है, तो दोनों जस्ट विजिबल है। तो यहां से अगर एक डिस्टेंस निकालना होता है तो क्या होता है, 3.85 D इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच। ठीक है, तो ये डिस्टेंस D है और ये D1 है। ठीक है, दोनों क्या है, सेम इक्वल हाइट का इक्वल होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू में 3.853 अंडर रूट 5.75, तो आंसर आ जाएगा अपना 18 किलोमीटर के अराउंड आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। सम डाउट सर, आस्क फ्रीक्वेंटली। सर आई एम न्यू हेयर, कैन यू प्लीज टेल मी टाइम टेबल फॉर द क्लासेस। मनीषा, हमारी यहाँ पे क्या है, स्पेशल क्लासेस चल रही है, अदरवाइज हमारी क्लासेस रेगुलर सुबह 9 बजे अन अकेडमी के एस एस सी जेई यूट्यूब चैनल पे चल रही है। और जो जिन लोगों को बिल्डिंग मटेरियल डिटेल थ्योरी के अंदर पढ़ना हो, वो अभी शाम को 5:30 बजे से अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे ऊपर स्पेशल क्लासेस की फॉर्म में आ सकते हैं। is the करेक्ट आंसर। हाँ, किसको कोई डाउट था, टेक्निकल बंगा बोलो। ठीक है, हाँ मनीष बोलो, और किसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो, इफ द वेट ऑफ एंगल ए इज, इफ द वेट ऑफ एंगल ए इज 8, एंगल क्या है 40 डिग्री 24 मिनट सेज, देन द वेट ऑफ द एंगल 2A इज 81 डिग्री 28 मिनट और 8 सेकेंड विल बी, क्या होगा? आई एम ए प्लस स्टूडेंट ऑल्सो सर, कोई दिक्कत नहीं है. ओके आई एम ऑल्सो प्लस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले भी आते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आओ शाम को 5:30 बजे. YouTube पे सुबह 9 बजे अन अकेडमी SSC J के नाम से. चलो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करो. बात अभी 2 मिनट के बाद में अपन करेंगे. 2 क्वेश्चन बचे होंगे, 49 और 50, 2 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ, जल्दी से कहिए. ठाकुर कह रहे हैं 2. ओके ठाकुर गुड. और कोई? प्लस का मतलब है पेड कोर्सेस वाले हैं, ठीक है, और ये स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है. टू इज द करेक्ट आंसर. कि अपने पास जनरली क्या है, 2A पूछा है, तो वो क्या होगा, वेट ऑफ द ए, अपने मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में चला जाएगा, स्क्वायर ऑफ द ए, जितना मल्टीप्लाई का ऑर्डर हो, तो 8/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4. हाँ नहीं सॉरी, 2 आ जाएगा ना, 4/2. 2 is the correct answer. A is the correct answer. Next question. The whole circle bearing of the line OP and OQ are 18 degree 15 minute and 335 degree 45 minute. What is the value of included angle QOP? Sir, ये weight वाले कौन से topic में होते हैं? ये होते हैं अपने पास theory of errors के अंदर है. और ये ना बहुत अच्छे और important question भी. अगर आप मेंस देते हो ना, मेंस के अंदर आपको 101% ये क्वेश्चन यहां से रिलेटेड मिलता है. ये वेट वाले क्वेश्चन उसके अंदर है, थ्योरी ऑफ एरर्स के अंदर है. नहीं, 3A होता तो क्यूब में नहीं जाता, नीचे 3 का स्क्वायर होता खान साहब. चलो एक बात अच्छी हुई कि उस टाइम मैंने मल्टीप्लिकेशन का बताया था, नहीं मतलब उस टाइम डिवाइड का बताया था और मैंने मल्टीप्लिकेशन का साथ में उसमें बताया था, तो आपके याद रहा, ये बहुत अच्छी बात है. और सबसे पहले आंसर दिया तुमने, ये अच्छा था. याद रखना इंपॉर्टेंट है चीजें, तो नहीं क्या है, बहुत सी चीजें हर जगह छुड़ा देते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं. जहां पे नई चीज मिले उसको याद रख लो, पुरानी हो रही है तो वो रिवाइज होगी, ठीक है. अपना अल्टीमेट एम ये रहना चाहिए सिलेक्शन. चलो कोई बात नहीं, मैं कल वाले सेशन के अंदर इसके थोड़े से क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, परसों वाले सेशन के अंदर, ठीक है. कॉस्मोसाइन 50 का बी इज द करेक्ट आंसर. 50 का बी इज द करेक्ट, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर. तो जो लोग सर मॉर्निंग में सर्वे और इस टाइम में अभी और कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर. अभी मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, अभी थोड़ा सा सरप्राइजिंग पैक है कि 5 तारीख से थ्योरी स्टार्ट करेंगे इवनिंग के अंदर, जियोटेक की डिटेल के अंदर चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे.
जियोटेक के बाद में मैं ट्रांसपोर्टेशन और जियोटेक और ट्रांसपोर्टेशन इस महीने के अंदर थ्योरी के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, और सुबह वाला सेशन एज इट इज चलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस चलते रहेंगे जैसे चल रहा है सर्वे का, अन अकेडमी के एसएससी जेई यूट्यूब चैनल पे, अन अकेडमी एसएससी जेई के नाम से पूरा चैनल है, सुबह 9 बजे उसमें एज इट इज हमारा सेशन जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। कल फिर अपन वही 70+ क्वेश्चन लेके आएंगे सर्वे के, सर्वे कल और परसों 1 और 2 तारीख को मेरे को कंप्लीट करना है। लगभग अपन 350 क्वेश्चन कर चुके हैं, 200 क्वेश्चन बचे हैं, वो 2 दिन के अंदर हमें कवर करने हैं और सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं नए एज इट इज। कोशिश यही रहती है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। अगर एक बार शाम को 5:30 बजे अन अकेडमी की ऐप के ऊपर स्पेशल क्लासेस की फॉर्म में बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है, जिसमें आज सीमेंट चल रहा है ठाकुर मेरे साथ में कंटिन्यूसली, 3 दिन से बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है ठाकुर कंटिन्यूसली, 3 दिन से जुड़ा हुआ है। तो थैंक यू गाइज फॉर बींग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। If you enjoy the session, please like, share and subscribe our Wi-Fi Study 2.0 YouTube channel and press the bell icon for the further notification. नए स्टूडेंट एक बार विशेष रूप से ध्यान दे ले इस बात का कि हमारी रेगुलर क्लासेस अन अकेडमी के SSC JEE YouTube चैनल पे हो रही है। तो थैंक यू गाइज फॉर बींग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। अगर आपको अन अकेडमी पे प्लस पे सब्सक्रिप्शन चाहिए तो यूज माई रेफरल कोड 710 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ ऑन योर नेक्स्ट अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। थैंक यू गाइज फॉर बींग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। अभी किसी को कुछ पूछना है 1 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं, फिर मैं क्लास को ऑफ करता हूँ। ओके थैंक यू सो मच सर। ओके अजय क्या कह रहे हैं, अच्छा हाँ अजय ठाकुर जुड़ा हुआ है, अजय ठाकुर की बात कर रहा हूँ। शाम को 5:30 बजे अन अकेडमी की लर्निंग ऐप के ऊपर वाइफ बिल्डिंग मटेरियल के नाम से लेक्चर नंबर 4 है सीमेंट का आज, कल सीमेंट कंप्लीट कर देंगे। हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, फ्री क्लासेस है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी को प्लस का सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आइए और ज्वाइन कीजिए। अगर कल कल डाउट क्लियरिंग सेशन है, किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी मेरे को बता दीजिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि हमें ये नहीं आता, तो मैं उसका कल एक स्पेशल क्लासेस रखवा दूंगा। सर आपने गलत पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया आरजे, आरजे बता यार। जल्दी बोलो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत है तो अपन डिस्कस कर लेंगे। अगर मेरा गलत हुआ तो आपने सही करा दिया, आपका गलत होगा तो मैं सही करवा दूंगा, दैट्स अ नॉट वीक डील। चलो बोलो, चेक करो सर, क्या चेक करना क्या है पहले वो तो बता। यार कैसी बात कर रहे हो यार, मैं खुद मतलब यहां आने से पहले प्रिपेयर होके आना पड़ता है, ठीक है आरजे जो भी है, ठीक है भागने की जरूरत नहीं है, प्रिपेयर करके आते हैं, क्लासेस भी आंसर की भी, आंसर की आता हुआ होगा ना। अच्छा इरिगेशन में ये मैंने कॉस्मोसाइन, मैंने इरिगेशन को है ना 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करवा रखा है, तो उसके अंदर आप लोग जाना, क्रॉस ड्रेनेज वर्क के नाम से इरिगेशन का चैप्टर बनाया हुआ है, लगभग 40 मिनट का लेक्चर है, वो देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉस्मो इरिगेशन का अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे जाना, मेरे नाम की प्रोफाइल खोलना, उसके अंदर क्रॉस ड्रेनेज वर्क के नाम से इरिगेशन का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, 45 मिनट के आसपास का है, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 मिनट का स्किप कर देना, फिर आगे से देख लेना, आधे घंटे के अंदर ये डाउट क्लियर हो जाएगा, विद डायग्राम है और पिक्चर के साथ में है, तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी।
और बोलो। बहुत इजी है, कैनाल ऊपर रहेगा तो ऐसे समझना, चलो यहीं पे देख लो, कैनाल ऊपर रहेगा तो अपने पास क्या रहेगा, एक्वाडक्ट रहेगा, ठीक है। कैनाल ऊपर है, ड्रेनेज नीचे है। अगर कैनाल का पानी का सरफेस को टच कर गया, मतलब क्या होगा, साइफन बन गया, तो क्या हो गया, साइफन एक्वाडक्ट, अगर टच नहीं करा तो एक्वाडक्ट, ठीक है। और यही अगर ड्रेनेज ऊपर हो गया तो एक तो बन जाएगा साइफन बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, सुपरपासिस बन जाएगा। ओके, बाकी एक बार और क्रॉस चेक करके देख लेना, वहां पे डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, सेम जगह नहीं, अन अकेडमी के एसएसए जय यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए